दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड ट्रेडर्स में तो गाइस कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड क्वार्टर टू दो हज़ार इक्कीस बाईस का रिजल्ट आ गया है तो चलिए रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक तो इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें चलिए बिना देरी तरीके सीधे रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं तो गाइस जो रिजल्ट है वो करोड्स में लिया गया है सबसे पहले कॉलम में हमें इस क्वार्टर का रिजल्ट सेकंड कॉलम में लास्ट क्वार्टर और थर्ड कॉलम में लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिलता है सबसे तो पहले हम बात करेंगे कंपनी की टोटल इनकम की तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने एट करोड की टोटल इनकम जनरेट करी लास्ट क्वार्टर में थी सेवन करोड़ और लास्ट ईयर थी एट करोड़ अगर हम कंपनी की एक्सपेंस की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर रहा वो इस क्वार्टर में रहा फाइव करोड़ लास्ट क्वार्टर में था फोर करोड़, करोड़ और लास्ट ईयर था फोर करोड़ अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करते हैं टैक्स पे करने से पहले तो इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट्स थे 2696 करोड़ लास्ट क्वार्टर में थे 2186 करोड़ और लास्ट ईयर थे 2928 करोड अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं कंपनी के टैक्स पे करने के बाद तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के प्रॉफिट्स इस क्वार्टर में था 2032 करोड़ लास्ट क्वार्टर में थे 1641 करोड़ और लास्ट ईयर थे 2184 थाउजेंड वन जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के मुकाबले तो काफी ज्यादा पड़े हैं पर अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट्स में थोड़ी सी गिरावट आई है अगर हम कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर की बात करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के जो अर्निंग्स पर शेयर है वो इस क्वार्टर में टेन पॉइंट टू फाइव रुपीज़ लास्ट क्वार्टर में एट पॉइंट टू एट रुपीजी और लास्ट ईयर में दे इलेवन पॉइंट जीरो रुपी तो गाइज जो अर्निंग्स पर शेयर है वो भी कंपनी के बाकी प्रॉफिट्स की ही तरह इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के मुकाबले तो काफी ज्यादा है पर अगर हम लास्ट ईयर से कमेयेर करें तो थोड़ी सी अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट हुई है तो गाइस ये था कॉडक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का रिजल्ट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सके